दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर की एक युवती निकली कोरोना पॉजिटिव, बस्तर जिले में अब 3 कोरोना मरीज, शहर में हड़कंप, नया मुंडा तिरंगा चौक कंटेनमेंट जोन में तब्दील। ग्रीन जोन से अब बस्तर जिला रेड जोन में शामिल, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची। कम लागत में 3 फसल लेने, बस्तर के किसान हो रहे तैयार। और कॉलेज के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा, केवल नियमित विद्यार्थियों को ही मिलेगा ये लाभ। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में 3रा कोरोना पॉजिटिव मिलने से दहशत का माहौल व्याप्त है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन शहर में पूरी सतर्कता बरतते हुए 4 कंटेनमेंट जोन में लोगों को आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। बैरिकेड लगाकर जवानों को तैनात कर दिया गया है। कलेक्टर रजत बंसल ने एक ऑडियो जारी कर गलत सूचना प्रसारित करने वालों को चेतावनी दी है और लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की है। शहर में 3रा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से दहशत का माहौल व्याप्त है। स्थानीय नया मुंडा क्षेत्र में रहने वाली युवती, जिसे उपचार के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहां जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसकी खबर जिला प्रशासन को लगते ही सोमवार की रात युवती के घर से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया और पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई। सभी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही सुबह से ही नया मुंडा क्षेत्र के गलियों को सैनिटाइज करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य अमला क्षेत्र में पहुंचकर रैंडम टेस्ट के लिए लोगों के सैंपल एकत्रित किए हैं। बताया गया है कि युवती पहले से ही सिकलिन की बीमारी से ग्रस्त थी। कुछ दिन पहले ही 27 मई को उसे उपचार के लिए MPM अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां से उपचार के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया है। रायपुर के एक निजी अस्पताल में स्थिति गंभीर होने के चलते युवती को वेंटिलेटर पर रखा गया है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अभी युवती की स्थिति ठीक है। हम आपको बता दें कि वो युवती महारानी अस्पताल के सामने स्थित दीप पैथोलॉजी लैब में कार्य करती थी, जिसके चलते लैब गली को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर मोहन राव की क्लिनिक वाली गली को भी सील कर दिया गया है और सुबह से ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। इस संबंध में जानकारी देते नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार। बेसिकली कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि संक्रमण का वो प्राप्त हुआ है, तो इस संबंध में जानकारी मिली थी कि पॉजिटिव के जो है इस एरिया में विजिट किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज्योति क्लिनिक को जो है अभी सील किया जा रहा है, एरिया को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो तैयार किया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर अभी कुम्हारपारा स्थित जो है ज्योति क्लिनिक को जो है अभी पुलिस बल के माध्यम से जो है सील किया जा रहा है। लोगों के आने जाने को इस एरिया में जो है प्रतिबंधित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी सावधानी के साथ युवती के संपर्क में आने वाले लोगों को खंगालने में लगी हुई है। उसके संपर्क में जो भी आए हैं उनकी जानकारी लेने पुलिस जुटी हुई है। कलेक्टर रजत बंसल ने एक ऑडियो संदेश जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही जगदलपुर में MPM अस्पताल, कुम्हार पारा के डॉक्टर मोहन राव गली, महारानी अस्पताल के सामने वाली गली के साथ ही नया मुंडा स्थित युवती के मकान के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन जगहों पर पुलिस जवानों को तैनात कर निरंतर नजर रखी जा रही है। इन क्षेत्रों में न तो किसी को बाहर से आने दिया जा रहा है और न ही किसी बाहर के व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। मंगलवार को कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन ने मजदूरों के नाम से भाजपा की राजनीति को करारा जवाब देते हुए कहा कि लॉकडाउन 1 के पूर्व से ही मजदूरों की घर वापसी होती तो आज मजदूर कोरोना संक्रमित नहीं होते। श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों के घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, तब भाजपा के नेताओं ने ट्रेन चलाने का विरोध किया और बस से लाने की बात कही। ये मोदी सरकार के कुप्रबंधन और गलत फैसलों का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के मजदूर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार से पहल की। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने इन मजदूरों को लाने के पहल की तो केंद्र की असंवेदनशीलता उसी समय झलक गई
जब उन मजदूरों को लाने की दिशा में उन्होंने कोई पहल नहीं किया। इन परिस्थितियों में हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, हम और हमारी पार्टी ने मजदूरों को लाने के लिए लगातार व्यवस्थाएं की और मजदूरों को क्रमशः यहाँ लाने का काम शुरू हो गया। आज हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 56 स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से 76,772 मजदूर सकुशल अपने राज्य को आ गए और अन्य साधनों से भी मजदूरों को लाया गया। छत्तीसगढ़ में लगभग 2,44,000 मजदूर अपने प्रदेश को वापस आ गए। पूरे प्रदेश में 19,216 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और उन क्वारंटाइन सेंटर में लगभग 7,00,000 लोगों को क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ की संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया। हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में कुल 6,082 मजदूर जो कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उनमें से 5,021 मजदूर बस्तर पहुंच चुके हैं। इसमें रेड जोन से 1,657 मजदूर आए हैं, ऑरेंज जोन से 1,450 मजदूर आए हैं और ग्रीन जोन से 1,914 मजदूर आए हैं। इस तरीके से कुल 5,021 मजदूर बस्तर पहुंच चुके हैं। 485 क्वारंटाइन सेंटर है, उन सेंटरों में इनका लगातार मेडिकल परीक्षण हो रहा है, इनको चाय नाश्ता भोजन पानी आदि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त दी गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मजदूरों के हित में तो कुछ करना नहीं, सिर्फ अनर्गल बातें करना। क्वारंटाइन सेंटर की बात है, वहाँ से कुछ शिकायतें आई थी, उसको चाक चौबंद कर दिया गया है और बराबर मजदूरों का देखभाल किया जा रहा है और सरकार पूरी अच्छी तरीके से काम कर रही है। बस्तर अब ग्रीन जोन से रेड जोन में आ चुका है। कोरोना विस्तार के मद्देनजर बस्तर में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पहले लगभग 2.5 महीने तक बस्तर को ग्रीन जोन में रखा गया था। ग्रीन जोन के चलते यहां लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिला प्रशासन द्वारा कुछ ढील दे दी गई थी। प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद अन्य राज्यों से कोरोना ने यहां भी दस्तक दी। अब तक यहां 3 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और आने जाने वाले समय में इसके बढ़ने की आशंका है। ग्रीन से रेड जोन में आ जाने के बाद शहरवासियों में दहशत व्याप्त है। बस्तर के किसानों को कम लागत में अपने खेतों में 2 और 3 फसल लेने के उद्देश्य से सामुदायिक खेती परियोजना का संचालन कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। अब इसके अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। बस्तर ब्लॉक के लामकेर से शुरू हुए इस परियोजना का लाभ बस्तर ब्लॉक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम भोंड के बाद अब सालेमेटा 2 और भैंस गांव में भी शीघ्र शुरू होने जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर के किसानों को कम लागत में अपने खेतों से 2-3 फसल लेने के उद्देश्य से सामाजिक कृषि परियोजना को कृषि महाविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जो परियोजना ग्राम लामकेर में 115 एकड़ जमीन से प्रारंभ हुई थी, अब यह परियोजना बस्तर ब्लॉक के भोंड में संचालित हो रही है और यहाँ पर लगभग 100 एकड़ जमीन पर 180 किसान जुड़े हुए हैं। इनमें से 153 किसानों को योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्य फसल धान लिया जा रहा है, साथ में कुछ जमीन पर मक्के का भी उत्पादन किसान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह परियोजना के लिए जिला खनिज मद से 58 लाख रुपए में से 47 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से इंद्रावती नदी के किनारे स्थित खेतों पर 15 पंप के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। खेतों में अंडरग्राउंड पाइपिंग किया गया है। 29 लाख रुपए की लागत से चैन लिंक फेस की गई है। मछली पालन के लिए 2 तालाब बनाए गए हैं। इसके साथ ही नदी के किनारे फलदार वृक्ष रोपित किए गए हैं। इनमें आम, नीम, नारियल, सीताफल, नींबू, जामुन, आंवला और कटहल शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर केसी नंदा ने बताया, सामूहिक खेती का जो परियोजना है इसका सबसे
पहला तो जो बिंदु है कि इस पूरे अंचल में जानवरों से की चराई की सबसे विकराल समस्या है। इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो प्रशासन ने और विधायक बस्तर ने ये सजेस्ट किया कि ऐसे गांवों को चिन्हित करें जहां कि हम सामूहिक खेती को बढ़ावा दे सकें। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें फेंसिंग के द्वारा जो जानवरों की चराई की समस्या है उसका निदान बिल्कुल 100% हो जाता है। दूसरा ये है कि किसान भाई जब आपस में अपना खेती करते हैं या अपनी खेती को प्लानिंग करते हैं तो कार्य योजना बनाने में भी इनको सुगमता होती है कि कितने लोग जैसे धान लगाना है या क्या क्या फसलें लगाना है, तो सबका दिमाग एक साथ सामूहिक रूप से काम करता है, तो ये एक फ़ायदा होता है। दूसरा फायदा होता है कि इसका प्रचार प्रसार भी अच्छा होता है क्योंकि सामूहिक मोड में होता है, विपणन में सुगमता होती है, इस तरह से काफ़ी लाभ है। सर अभी कितने किसान जुड़े हुए हैं? हाँ, इस परियोजना में जो भोंड ग्राम है, ग्राम भोंड वाली परियोजना में 153 किसान अभी एक्टिव हैं हमारे, और लगभग इसमें 187 किसानों का ये पूरा एक क्षेत्र है जिसमें कुछ किसानों को और जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, अपने आदान और घटक देते हुए उनको जोड़ने का प्रयास। इस परियोजना की और कोई विस्तार हो सकता है? हाँ, इस परियोजना के विस्तार के लिए भी यह अनुसंधान केंद्र काम कर रहा है और लगभग 2-3 स्पॉट्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है जिसमें देख सकते हैं आप कि साले में टट्टू करके एक गाँव है, वहाँ का सर्वे किया गया है, भैंस गांव का सर्वे किया गया है। तो इन दोनों परियोजनाओं के फलीभूत होने से और इनका क्रियान्वयन होने से लगभग हम 700-800 एकड़ खेती और सामूहिक रूप से करने में सफल होंगे। एक दो जगह और चिन्हित किए जा रहे हैं, जैसे ग्राम घोटिया है, उसको भी हम लोगों ने देखा है वहाँ का एक पैच, तो उसमें भी आगे प्रयास किए जाएंगे। अब सामुदायिक खेती परियोजना का विस्तार बस्तर ब्लॉक के ही ग्राम साले मेटा में 200 से 600 एकड़ और भैंस गांव के 400 एकड़ में किया जा रहा है। सामुदायिक खेती किसानों के लिए वरदान साबित होगी और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार सिद्ध होगी। बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर की बात में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर विधायक अपने क्षेत्र में निरंतर बोरिंग खनन करवा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को बम्हनी गांव के सरपंच पारा और करणपुर में 2 बोरिंग खनन किए गए जिसका परीक्षण विधायक रेखचंद जैन ने किया। इससे पूर्व भी अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की व्यवस्था विधायक द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करवाने ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने शहर के एक वार्ड में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर वार्ड का निरीक्षण किया। कोविड-19 के तीसरे केस शहर में मिले हैं। इसे जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन व पुलिस विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र में बैरिकेडिंग किया गया है। प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्षेत्र के निवासरत लोगों की सूची तैयार कर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा
उस क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजिंग की जा रही है। साथ ही लोगों को आवश्यक सामग्री सेवा हेतु हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में नियमित सैनिटाइजिंग करने के साथ आवश्यक समस्त तैयारी करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने लोगों से भ्रामक प्रचार से बचने की अपील की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सभी महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र 2019-20 में जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की गई है। इसके बाद से NSUI के पदाधिकारियों और विद्यार्थियों में हर्ष व्याप्त है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन जनरल प्रमोशन की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है। मुख्यमंत्री द्वारा सभी महाविद्यालय के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की गई है। जनरल प्रमोशन का लाभ केवल नियमित विद्यार्थियों को ही मिल सकेगा। स्वाध्यायी विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें परीक्षा देना अनिवार्य है। इसी तरह अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को भी परीक्षा देना होगा। जनरल प्रमोशन की घोषणा के बाद NSUI के पदाधिकारियों में खुशी जाहिर करते हुए कहा, सरकार का जो दिशा निर्देश आया हुआ है उसके अनुसार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों का, रेगुलर छात्रों का जनरल प्रमोशन किया जाना है, और जो थर्ड ईयर के छात्र हैं और सेमेस्टर फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनका ऑलरेडी एग्जामिनेशन लेना है। इनका जनरल प्रमोशन करने के लिए हम इनके इंटरनल मार्क्स जो कॉलेजेस में इनको दिया जाता है उसको आधार बना करके हम एक नियम बनाएंगे और उसके अनुसार फिर इनका जनरल प्रमोशन या दूसरी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी पूरा दिशा निर्देश का अध्ययन करके और मूल्यांकन का तरीका, प्रमोशन का तरीका क्या होगा इसको निर्धारित करेगी, और उसी के बेसिस पर हम कॉलेजेस से आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स मंगवा करके हम मार्कशीट तैयार करेंगे और बच्चों का प्रमोशन करेंगे। प्राइवेट का जहाँ तक सवाल है उसमें उनकी परीक्षा लेने के लिए दिशा निर्देश आए हुए हैं, अतः उसके बारे में बहुत जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद का विश्वविद्यालय एक निर्देश एग्जामिनेशन के लिए जारी करेगा। और इस एग्जामिनेशन के बीच में ऑलरेडी जब भी एग्जामिनेशन होंगे हम आइसोलेशन का पूरा प्रबंध करेंगे, सेंट्रलाइजेशन का ऑलरेडी पूरा प्रबंध होगा, सैनिटाइज पूरे कॉलेज के करते हुए और आइसोलेशन को करते हुए, दूरी बनाते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चों की परीक्षाएं ली जाएंगी। बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा और कॉलेज के अधिकारी या कर्मचारियों को भी पूरा जागरूक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार जनरल प्रमोशन का मांग को लेकर छात्रों की आवाज़ उठ रही थी, जिसको देखते हुए NSUI और NSUI के छात्र नेता सभी ने लगातार इसमें संघर्ष करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उमेश पटेल जी से ये मांग रखी थी कि छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को, जिससे कि उनकी मानसिकता इस महामारी के बीच स्वस्थ रह सके। और आदरणीय मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने छात्रों की मांग को लेकर जनरल प्रमोशन की मांग को पूरा किया। आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उमेश पटेल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस महामारी के दौर पे एक अच्छा फैसला लिया कि छात्रों के हित में जनरल प्रमोशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए, ताकि उन्हें इस घड़ी में एग्ज़ाम देकर और एग्ज़ाम की तैयारी में कठिनाइयां जो आ रही हैं उनका सामना ना करना पड़े। जनरल प्रमोशन से छात्र नेता और छात्रों में जहां खुशी है, वहीं सभी विश्वविद्यालय के प्रबंधन इस जनरल प्रमोशन की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने बताया, बाइट, जनरल प्रमोशन विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने में कितना मददगार साबित होगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर की एक युवती निकली कोरोना पॉजिटिव, बस्तर जिले में अब 3 कोरोना मरीज, शहर में हड़कंप, नया मुंडा तिरंगा चौक कंटेनमेंट जोन में तब्दील।
ग्रीन जोन से अब बस्तर जिला रेड जोन में शामिल। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची। कम लागत में 3 फसल लेने बस्तर के किसान हो रहे तैयार। और कॉलेज के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा, केवल नियमित विद्यार्थियों को ही मिलेगा ये लाभ। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।